को मात देती जिंदगी। इंच इंच पर मौत। कदम कदम पर सफेद डर। हिम्मत, हौसला और रेस्क्यू ऑपरेशन। सफेद मौत को मात। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ये मौत को मात देने वाली तस्वीरें हैं, ये जिंदगी से जूझने की तस्वीरें हैं, ये सफेद मौत को मात देने वाली तस्वीरें हैं, ये हिम्मत और हौसले का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कौन मौत से जूझ रहा है। तो हम आपको बताते हैं इस रेस्क्यू मिशन के पीछे की कहानी। ये कहानी 16 जून की है। उत्तराखंड के निम इंस्टीट्यूट की ओर से 34 महिलाओं का एक दल उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा इलाके में माउंटेनियरिंग के एडवांस कोर्स का प्रशिक्षण ले रहा था। इस दल की सदस्य पुणे की वैज्ञानिक जयश्री डुमरे पर्वतारोहण की तैयारी के समय अचानक पैर के नीचे की बर्फ धसकने से 100 फीट गहरी खाई में गिर गईं। इसके बाद पूरे दल में हड़कंप मच गया। गिरते समय जयश्री अचानक होने वाले हिमस्खलन के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रात 2:30 बजे तक चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दल के प्रशिक्षक शिवराज सिंह पवार ने उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। वीडियो में देखें कि कैसे मौत के मुंह से बाहर निकली ये वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक समुद्र तल से 4,817 मीटर की ऊंचाई पर -10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच बर्फ की अनंत गहराई और महज 1.5 फीट चौड़ी दरार में फंस गई थी। बर्फ की अनंत गहराई और मात्र 1.5 फीट चौड़ी इस दरार में जयश्री का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अचानक दरार के भीतर 50 फीट से भी ज्यादा गहराई पर जयश्री के सिर पर बंधे हैंड लैंप की रोशनी टिमटिमाने से उसके अटके होने की पुष्टि हुई। तो निम के प्रशिक्षक बिना समय गवाए रेस्क्यू में जुट गए। टीम के मुख्य प्रशिक्षक दिगंबर पवार ने पहले प्रशिक्षक शिवराज पवार को रस्सियों के सहारे दरार के भीतर भेजकर जयश्री की लोकेशन का पता कर उसे एंकर करवाया। इसके बाद प्रशिक्षक उम्मेद राणा ने नीचे जाकर जयश्री को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की संकरी गली में बुरी तरह फंसी जयश्री को ऊपर निकालने की स्थिति नहीं बन पाई। कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच फंसी जयश्री की हालत समय बीतने के साथ साथ बिगड़ती जा रही थी। तीसरे प्रयास में शिवराज ने नीचे जाकर जयश्री को रस्सी के सहारे बाहर धकेला। 1.5 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में जयश्री के सुरक्षित बाहर निकलने पर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। बर्फ को काटने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा वीडियो देखकर यही कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।